यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी के बाद दिल्ली और एनसीआर में मंगलवार शाम तेज हवाएं और धूल भरी आंधी चली। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर सहित 20 राज्यों में 11 मई तक तूफान की आशंका बनी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में सोमवार रात और मंगलवार की सुबह भी आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश हुई थी। मौसम विभाग ने दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा सहित उत्तर प्रदेश के मेरठ और राजस्थान के अलवर के लिए भी तूफान की चेतावनी जारी की थी। दिल्ली सरकार ने मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए खोज एवं बचाव दलों को तैयार रहने को कहा था। हवाई अड्डे के सूत्रों के अनुसार कल देर रात तेज हवाओं के कारण 6 उड़ानों का रास्ता बदलना पड़ा। हालांकि सुबह संचालन सामान्य रहा। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कर्नाटक और केरल आंधी तूफान से प्रभावित हो सकते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल की ओर से तूफान ने क्या रुख और साथ ही यहां पर अगले 24 घंटे जो है अलर्ट रहने को कहा गया है।